हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पे चल रही है नवरात्रि सीरीज़, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपके साथ पंचमी, षष्ठी, सप्तमी लुक शेयर कर चुकी हूँ। और आज की वीडियो में मैं करूँगी अष्टमी मेकअप लुक, जो कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कलरफुल है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। तो आइए बिना किसी देरी के मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। तो हर बार की तरह मैंने अपना स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया है और मुझे हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि अभी तक आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि मुझे ग्लो करना कितना ज़्यादा पसंद है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। यू कैन सी कि ये मेरी स्किन तुरंत कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है और हाइड्रेटिंग तो हो ही गई है, मॉइस्चराइजर का काम ये कर ही रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो डेफिनेटली आप इसको खरीदना, मेरा बेस बहुत अच्छा होने वाला है। यू कैन सी कि अभी ऑलरेडी मेरा बेस काफ़ी अच्छा हो चुका है। आज मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ कंसीलर को अपने आईलिड्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया, जिससे कि मुझे एक स्मूथ कैनवस मिल सके और मेरे कलर्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपअप होकर निकल सके। इसको लगाने के बाद मैंने अपनी फिंगर से ही इसको ब्लेंड किया है। यू कैन सी कि ज़्यादा प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहती कि मेरा डैम ब्यूटी ब्लेंडर में एब्जॉर्ब हो, इसलिए मैंने फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर लिया है और बाद में लूज पाउडर की हेल्प से लेकर मैं इसको पूरे अच्छे से सेट कर लूँगी। आई मेकअप के लिए आज मैं अपना ब्यूटी ग्लेस का पैलेट यूज़ करूंगी और ये वाला शेड काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इसका पिगमेंट काफ़ी कम है, इसलिए मैं ये हैक ट्राई कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे को ब्रश में 1 से 2 पंप मैं स्प्रे करूंगी और इस तरीके से कलर में डिप करते हुए अपने पूरे आईलिड्स के ऊपर मैं इसको ब्लेंड करूंगी। आई नो की शुरुआत में थोड़ा सा गीला गीला रहेगा, लेकिन बाद में जब उसके कलर्स पिक करने लगेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आएंगे। तो इस तरीके से ये हैक आप काम कर सकते हो। अगर आपके कोई ऐसे आई शेडो पैलेट है या कुछ ऐसे पर्टिकुलर शेड्स हो ही जाता है आई शेडोज़ के अंदर जो हमारे काम नहीं करते, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो। अब सेम स्टेप मैं दूसरे ब्रश में कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश में। ये एक नया पैलेट मैंने लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने में कलरफुल लग रहा था और इसको रिसेंटली मैंने रिसीव किया, तो मैंने यहाँ से एक एक गोल्डन शिमर शेड यूज़ कर रही हूँ और इसको पूरे अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी, जिससे एक मुझे एक अच्छा अपने आईलिड्स के ऊपर एक अच्छा शिमरी सा शेड मिल जाए। तो इसको मैं जब तक करूँगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर शेड ना मिल जाए, इसके लिए अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो धीरे धीरे करने के बाद मुझे यहाँ पे फाइनली मेरा एक कलर मिल चुका है। यू कैन सी कि कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्राउन शेड ले रही हूँ, लाइट ब्राउन शेड लिया है मैंने फ्लफी ब्रश में, और अपने आउटर कॉर्नर्स पर मैं इस तरीके से डैब डैब करते हुए स्मच कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, डेफिनेशन मिल जाएगी मेरे आईज को। इसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है और एक ब्लैक आई शेडो लेके मैं एक यहाँ पे अपने लाइनर को ड्रॉ कर रही हूँ और साइड बाई साइड मैं इसको स्मज भी करती रहूँगी। मैं आज अपने आईलिड्स पे ज़्यादा मेकअप नहीं चाहती क्योंकि लोअर लैश लाइन पे मैं कुछ अलग यूज़ करने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपअप होकर निकलेगा, तो बस उसी का ही वेट कर रही हूँ। यहाँ पे इस अच्छे से इसको पहले मैं स्मज कर लूँगी, जिससे एक फेड आउट मुझे इफेक्ट मिल जाए और मेरे साथ ही साथ मेरे आईज को एक डेफिनेशन भी मिल जाए। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है ये टीन टीन का ड्रीम जेल लाइनर। ये बहुत ही अमेजिंग लाइनर है, बहुत ही ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी हाई है। ऑलरेडी मेरे पास इसके अंदर एक पर्पल शेड है, इस बार मैंने ये सी ग्रीन कलर कुछ मंगाया है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो इसको अच्छे से मैं अपनी वाटर लाइन में अप्लाई करूँगी, बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है और बिल्कुल भी स्मज नहीं होता। वाटर लाइन में अप्लाई करने के बाद मैंने एक स्मजर ब्रश लिया है और इसको अपने पूरे लोअर लैश लाइन में अच्छे से मैं इसको स्मज कर लूँगी, जिससे इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। और साइडों से मैंने इस तरीके से विंग टाइप निकाल लिया, जिससे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आईज और ज़्यादा बड़ी और बिग लगे, तो इसलिए मैंने ये स्टेप किया है। इसके बाद यू कैन सी मेरी आईज कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और इस लुक को मैं कंप्लीट करूँगी 3 से 4 कोट अपने मस्कारा के। मैं मस्कारा ही प्रेफर करती हूँ और मैं ज़्यादा मतलब आईलैशेस की तरफ नहीं जाती क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा आईलैशेस की फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मैं मस्कारा की फ़ैन हूँ। वो तो मुझे वीडियोज़ में लगाना पड़ता है, अगर डेली बेसिस में मुझसे पूछोगे तो मस्कारा बिल्कुल भी मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन अगर आप आईलैशेस लगाते हो फेक तो ज़रूर लगाना। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी एक लाइट और डार्क ब्राउन शेड लेके एंगुलर ब्रश की हेल्प से। आई लुक्स हमारा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब हम अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल करते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आईब्रोज़ को भी अच्छे से फिल करिएगा। दूसरी आई पे भी मैं मेकअप को कॉपी पेस्ट कर लूँगी। अब मूव करते हैं हमारे बेस की तरफ। तो मैंने ये लिया है यहाँ पे लैक्मी की सीसी क्रीम, ये मुझे शुरुआत से ही बहुत पसंद है। इससे ना मुझे काफ़ी अच्छी कवरेज तो मिल ही जाती है, साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी मुझे लगती है। तो एवरीडे पर्पज़ के लिए डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आज के लुक के लिए आप चाहते हो कि मैं इसको नहीं कोई फाउंडेशन यूज़ करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। तो डॉट डॉट करके मैं इसको अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करूँगी और बाद में डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इसको अप्लाई करने के बाद यू कैन सी मेरा बेस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। डूई तो लग ही रहा है क्योंकि हमने बेस में बहुत अच्छे प्रोडक्ट लगाए हैं और साथ ही साथ ये हाइड्रेटिंग भी लग रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे अपने अंडर आइज़ के अंदर थोड़ी सी डार्कनेस लग रही है, उसी को बस मैं कैंसिल आउट करूँगी एक कंसीलर की हेल्प से और थोड़ा सा माउथ के अराउंड लगाऊंगी, बाकी मुझे फेस पर जरूरत नहीं लग रही इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। तो आप ज़रूर अवॉइड कर सकते हो, हर दिन अलग होता है, हर दिन आपकी लुक अलग दिखती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने शुरुआत में हैवी प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो बाद में भी आपको ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
पूरे बेस को मैं सेट कर लूँगी यहाँ पे लैक्मी के कॉम्पैक्ट से, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको SPF तो मिलता ही, साथ में एक कलर भी आपको ऐड कर देता है, तो काफ़ी अच्छा है, एक वाइटनिंग इफेक्ट आपको मिल जाता है आपके बेस के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप लूज पाउडर भी ले सकते हो। मूव करते हैं ब्लश की तरफ। तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे एक पीची पिंक ब्लश लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और नेचुरल शेड है। मेरा आई मेकअप यहाँ पे सी ग्रीन करा है, तो और मैं लिपस्टिक भी उसको ध्यान में अपोजिट पिंक में लगाऊंगी, इसलिए मैंने ब्लश को भी कुछ वैसा ही रखा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि ब्लश या कभी कभी हाईलाइटर में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि अभी मैं अपने आपको मिरर में देख रही हूँ तो काफ़ी सही मैंने ब्लश लगा लिया है, लेकिन जब मैं कैमरा में अपने आपको देख रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कम है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लश लगाना पड़ रहा है। अगर वही है, लाइट्स का सब कुछ खेल होता है कभी, जैसे कि अभी मैं बिल्कुल इंडोर शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी नेचुरल लाइट में शूट करती हूँ तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सब कुछ लाइटिंग का ही इफेक्ट है और थोड़ा सा फ़ोन की क्वालिटी भी। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपने फेस को मैं कंटोर कर रही हूँ, तो कंटोर के लिए मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन शेड लिया है, उसी से अपने पूरे फेस को कंटोर करूँगी, अपने फोरहेड पे, नोज पे, अपने हॉल ऑफ द चीक्स और जॉ लाइन पे। डिपेंड करता है, देखो यार आपका मेकअप है, आपको ज़्यादा चाहिए कंटोर या कम चाहिए, टोटली आपके ऊपर है, या फिर आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते, टोटली आपके ऊपर है। लेकिन जब अपनी आई मेकअप हैवी रखते हो तो थोड़े फीचर इनहेंस होते हैं, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह जब हम लगा लेते हैं तो जितने भी हमारे फेस पे डायमेंशंस होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो सब खत्म हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्लेन लगने लगता है, इसलिए उसी चीज़ को हम मेंटेन करते हैं कंटोर करके। तो यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर से अपने नोज़ को भी मैंने कंटोर कर लिया है, तो यहाँ पे मेरी कंटोरिंग और ब्लश दोनों पूरे हो चुके हैं। मूव करते हैं हाइलाइटर की तरफ। तो हाइलाइटर ब्लश मैंने अच्छे से पहले मेकअप फिक्सर को अच्छे से स्प्रे कर लिया। ये स्टेप करने से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया, ये वायरल हैक सच में काम का है। इसको लगाने के बाद ना सच में जो हमारा हाइलाइटर है वो बहुत अच्छा लगता है, पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तो ये हैक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अपने एप्पल ऑफ दी चीक्स, अपनी नोज़, अपने क्यूपिड एरिया, फोरहेड और अपनी चिन एरिया को मैं अच्छे से हाईलाइट करूँगी, और हाईलाइटिंग पार्ट तो मेरा फेवरेट है, आपका है या नहीं है ज़रूर बताना। अब मैं यहाँ पे इस पैलेट से ये वाला शेड ले रही हूँ और इसको अपने अंडर आइज़ के अंदर अच्छे से अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ मैंने सी ग्रीन कलर की पेंसिल लगाई थी उसी के ऊपर, जब थोड़ा सा और फेड आउट करूँगी। एक्चुअली जो अभी हमने जो भी ब्लेंडिंग करी थी उसके वजह से थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, इसलिए ये स्टेप मैं फिर से कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी आइज़ कितनी ज़्यादा पॉपअप हो गई हैं। अब अपने इनर कॉर्नर्स को एक हाइलाइटर की हेल्प से मैं अच्छे से हाईलाइट करूँगी। सेम तरीके से मैं अपने ब्रो बोन को भी हाईलाइट करूँगी। इस वाले स्टेप्स है ना, मैंने देखा जब भी मैं इस चीज़ को ध्यान से करती हूँ ना तो मेरी आईज थोड़ी सी बड़ी लगती हैं, तो ये स्टेप डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो अच्छे से। अब सेम शेड लेके मैं अपने ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा लिप कलर। तो लिप कलर के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक डार्केस्ट पिंक, आई थिंक ये वेरी मजेंटा शेड नाम से है, हाफ एंड हाफ की लिपस्टिक है, इससे अपने लिप्स को अच्छे से आउटलाइन कर लूँगी। और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी लिपस्टिक अपनी ले रही हूँ। एक्चुअली मुझे परफेक्ट शेड मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी फिलहाल के लिए इससे चल जाएगा काम। इस लिपस्टिक को मैं अब यूज़ नहीं करती, इसको मैंने कभी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, बट इसका वो ये ड्यूप मुझे कुछ मिला है उसी तरीके का, तो बहुत ही कमी ही इसको मैं यूज़ करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा वॉश आउट इफेक्ट भी दे देता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने इस लिपस्टिक को अच्छे से लगाया है, बहुत ही हल्का हल्का ही लगाया, और सोच रही हूँ कि क्या ये शेड काम का है या नहीं, लेकिन दो तीन बार ट्राई करने के बाद इसमें मैंने एक दो लिपस्टिक्स और भी मिक्स करी है। तो मैंने यहाँ पे बाद में मिस क्लियर की 58 शेड नंबर है उसको भी अच्छे से मिक्स किया है, जिससे कि मेरा फाइनल शेड मुझे यहाँ पे मिल सके। पूरे फेस को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी सेटिंग्स पे की हेल्प से। बस यहीं पे मिलते हो अपने आउटफिट और ज्वेलरी चेंज करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस लुक को आप इस नवरात्रि, दिवाली, करवा चौथ या फिर किसी और वेडिंग सीजन में भी आप इसको कर सकते हो, अगर आपके आउटफिट्स में ये कलर हैं या फिर नहीं भी है तो भी आप इस कलर्स के अकॉर्डिंग, अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग कलर्स को ले सकते हो और ये लुक कंप्लीट कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इसको कितना रेट करना चाहेंगे आउट ऑफ 5। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, और किस तरीके के वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।